नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बच्चे के साथ गर्लफ्रेंड को पत्नी के घर लेकर पहुंचे अर्जुन रामपाल। ऐसे मनाया सबने मिलकर गणेश उत्सव। देश भर में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। सलमान खान से लेकर शिल्पा शेट्टी तक कई सितारे विघ्नहर्ता को घर लेकर आए और डेढ़ दिन बाद धूमधाम से उनका विसर्जन भी कर दिया। ऐसे में अर्जुन रामपाल की पत्नी मेहर जैसिया ने भी बप्पा को घर पर विराजित किया। खास बात तो ये है कि मेहर के घर बप्पा के दर्शन करने अर्जुन रामपाल गर्लफ्रेंड और न्यूबॉर्न बेबी के साथ पहुंचे। दरअसल इस बात का खुलासा स्पॉट बॉय वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में किया है। परिवार के करीबी सूत्र ने बताया कि अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिलिया बप्पा के दर्शन करने के कुछ देर बाद ही वहां से चली गई। हालांकि अर्जुन मेहर के घर कुछ देर रुके, अर्जुन ने बेटियों के साथ समय बिताया और लंच भी किया। अर्जुन पिछली बार इस उत्सव में शरीक नहीं हो पाए थे क्योंकि उस वक्त वो गैब्रिलिया के साथ विदेश में छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। सूत्रों की माने तो गैब्रिलिया और मेहर के बीच धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा है। इसकी वजह अर्जुन और मेहर की बेटी माहिका को बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि बीते कुछ वक्त से अर्जुन मेहर और गैब्रिलिया के बीच तनाव था। ये बात जग जाहिर तब हुई जब अर्जुन की बहन के ब्यूटी क्लिनिक ओपनिंग के दौरान मेहर ने खुद न जाकर अपनी बेटी माहिका को भेज दिया। आपको बता दें कि अर्जुन रामपाल और मेहर का अब तक तलाक नहीं हुआ है। मेहर से अलग होने के बाद अर्जुन गैब्रिलिया को डेट कर रहे थे। गैब्रिलिया ने हाल ही में बेटे को जन्म दिया है। बच्चे का नाम अर्जुन और गैब्रिलिया ने आरिक रखा है। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में गैब्रिलिया ने माहिका, मायरा और आरिक के रिश्ते को लेकर बड़ी बात कही थी। अर्जुन की दोनों बेटियां आरिक से बेहद प्यार करती हैं। उनका रिश्ता भी आपस में दोस्त जैसा है। सभी एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। गौरतलब है कि डिलीवरी के बाद गैब्रिलिया को देखने अर्जुन रामपाल की दोनों बेटियां अस्पताल भी पहुंची थी। गैब्रिलिया ने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में बेटे को जन्म दिया था। अर्जुन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि माहिका और मायरा ने गैब्रिलिया को अपना लिया है। मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मेरी बेटियां उसे परिवार की तरह अपना ले। मैं खुश नसीब हूं कि वो दोनों मेरी बेटियां हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।